टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत को लेकर राहत की खबर है। रूस यूक्रेन तनाव के कारण तेल की कीमतों में आया उबाल अब कम हुआ है। लगातार 3 सप्ताह तक $100 प्रति बैरल से ऊपर रहने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम नरम होकर $100 प्रति बैरल से नीचे आ गए हैं। बता दें कि इससे पहले क्रूड ऑयल 7 मार्च को 14 साल के उच्चतम स्तर $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कच्चे तेल के भाव में नरमी से खुदरा तेल की कंपनियों पर मार्जिन दबाव कम हुआ है। भारत में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी पिछले 4 महीने से देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाजार पर चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का असर हुआ है। चीन कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, ऐसे में मांग पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत में प्रगति के भी संकेत हैं। भारत के लिए कच्चे तेल के दाम में कमी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश का आयात बिल कम होगा। उद्योग सूत्रों के अनुसार इससे सार्वजनिक क्षेत्र की खुदरा तेल कंपनियों पर दबाव भी कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।